लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है, बेसहारों से, बेरोजगारों से जमीन लेकर नौकरी जिनको दिए, तो क्या उन पर मुकदमा नहीं चलने का आदेश मिलेगा, तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? वह बिल्कुल सरासर गलत है। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी गलती की है। सिखों के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया है उससे सिख भाई काफी मरमाहत है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट विहार, झारखंड देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली से पटना पहुंचे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। आपको बता दें, बीते दिन लालू प्रसाद यादव पे गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है मुकदमा चलाने के लिए लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर। लेकिन जब ये सवाल किया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से कि आखिर लालू प्रसाद यादव पे आपके विभाग ने क्यों आदेश दिए हैं मुकदमा चलाने को लेकर, तो क्या कुछ कर रहे हैं नित्यानंद राय, पहले आप उनके बयानों को सुने। कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है सर। अच्छा, लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है, बेसहारों से, बेरोजगारों से जमीन लेकर नौकरी देने का काम किया है, लोगों का जमीन बेचवा दिए। बहुत ऐसे सारे लोग जिनसे जमीन भी बेचवा दिया, नौकरी नहीं उनको दिए, तो क्या उन पर मुकदमा नहीं चलने का आदेश मिलेगा, तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? राहुल गांधी जी और कांग्रेस हमेशा वैसा बयान देती है जो बिल्कुल देश हित में नहीं होता है, समाज हित में नहीं होता है। सिखों के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया है उससे सिख भाई काफी मरमाहत है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। हम लोग सिखों के सम्मान को कभी न गिरने देंगे, न झुकने देंगे, न उस पर ठेस पहुंचने देंगे। राहुल गांधी को सिखों के बलिदान, समर्पण और इस हिंदुस्तान के लिए किए गए बलिदान को और उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए। सिख भाइयों के साथ जो भी आपत्तिजनक और अपमान का शब्द किए हैं वह बिल्कुल सरासर गलत है। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी गलती की है। तो आपने सुना, साफ तौर पे नित्यानंद राय बता रहे हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव गरीबों का जमीन हड़पे हैं, उसके बदले नौकरी दिए हैं, तो उन पे मुकदमा चलाने का आदेश विभाग नहीं देगा, तो उनका स्वागत करेगा। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से राहुल गांधी के बयान के बाद सिख समुदाय के लोग दिल्ली में मुलाकात करते हैं और साथ ही ज्ञापन सौंपते हैं। इसके बाद जो नित्यानंद राय हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है, ये काफ़ी दुख वाली बयान है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। अगर सिख समुदाय के लोगों ने हमसे मुलाकात किया है, बात किया है, तो इस पे हम लोग और हमारी सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। बराज खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खुले बने रहे, फर्स्ट विहार, झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।